Gupta from Ambika International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to teach Computer, Chapter 1, Introduction of Computer. So let's start, students. Computer, Chapter 1, Introduction of Computer. In this chapter, we read about computer, how it is work, how its parts. Computer is a smart machine. Many works do together. Dear children, in the previous class, we have learned that computer needs an input by a user and it gives the user the output. Computer is ऐसी machine है जिसमें हमें एक input देना पड़ता है. Input देने के बाद process होती है, then we get output. A computer is used for multi-purpose works in IQ cycle. Computer एक multi-purpose machine है जो multi-purpose काम करती है और एक IQ cycle से काम करती है. What is the IQ? IQ's full form is input, process, output. Let's recall input, process and output with the example. IQ को हम example के थ्रू समझेंगे. Do you know how a pencil is sharpened? आपको पता है pencil sharp कैसे किया जाता है? Sharp करने के लिए हमें एक sharpener और pencil की need होती है. Then pencil being sharpened. शार्पन पेंसिल, सबसे पहले पेंसिल को हम शार्पनर में डालते हैं. शार्प होती है और फिर हमें शार्पन पेंसिल मिलती है. तो इट इज इनपुट, दिस इज प्रोसेस एंड इट इज आउटपुट. तो कंप्यूटर भी सिमिलरली वर्क करता है. पहले हमें इनपुट देना होता है, देन प्रोसेस होती है, देन आउटपुट मिलता है. सिमिलरली टू डू एनी वर्क्स ऑन द कंप्यूटर यू हैव टू फॉलो दीज थ्री सिंपल स्टेप. और कंप्यूटर में वर्क करने के लिए भी हमें इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करना होता है. वी कैन सी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सीपीयू एंड मॉनिटर. कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, सीपीयू इज प्रोसेसिंग डिवाइस एंड मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस. तो जो आईक्यू सर के लिए वो इन तीनों पर वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. दीज प्रोसेस कॉल आईक्यू साइकिल, इनपुट, कीबोर्ड, प्रोसेस, सीपीयू एंड आउटपुट फ्रॉम मॉनिटर. द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच आर प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर आर कॉल इनपुट. सम ऑफ डिवाइस यूज टू इनपुट डाटा आर माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन. बाहर डिवाइस जिनके थ्रू हमें इनपुट या अपना इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में फीड करते हैं, इट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज. इनपुट डिवाइसेज में माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ईटीसी. नाउ वी रीड अबाउट माउस. द माउस इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज यूज टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर. माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को कमांड देने का काम करता है. इट हेल्प्स टू इनपुट डाटा इन मेनी वेज. और यहाँ कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से डाटा प्रोवाइड करता है. नाउ वी रीड अबाउट माउस फंक्शंस. इट हेल्प टू सेलेक्ट आइकॉन ऑन द स्क्रीन. माउस की हेल्प से आप स्क्रीन के आइकॉन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. इट हेल्प टू ड्रैग आइकॉन. हम माउस की हेल्प से आइकॉन को ड्रैग कर सकते हैं, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें मूव कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू ओपन द प्रोग्राम. हेल्प ऑफ द माउस वी ओपन एनी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर. नेक्स्ट द हेल्प्स टू ड्रॉ पिक्चर. माउस की हेल्प से आप पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ वी रीड अबाउट कीबोर्ड. कीबोर्ड इज एन इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस. इट इज यूज टू एंटर डाटा एंड गिव कमांड टू द कंप्यूटर. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड आर अल्फाबेट की. Now we read about keyboard. You can see it is keyboard. Keyboard is an important input device. It is used to enter data and give commands to the computer. Keyboard एक input device है और यह computer को command और data देने का work करता है. The different types of keys on keyboard are. Keyboard में different type of keys होती है. You can see this is keyboard. F1 to F12, it is called functional keys. F1
equal to 0 and plus minus are called numeric keys. And it is a space bar shifted and it is specific keys. So students, you understood keyboard? Scanner is a kind of input device that can read text or printed paper and translate the information. Scanner are of two types, flatbed or simple scanner and handheld scanner. Scanner एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि टेक्स्ट को रीड करके उसे प्रिंट पेपर पर प्रिंट करता है. स्कैनर टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट सिंपल स्कैनर, सेकंड इज हैंडहेल्ड स्कैनर. यू कैन सी ऑन द पिक्चर फ्लैटबेड स्कैनर एंड दिस इज हैंडहेल्ड स्कैनर. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज जॉयस्टिक. अ जॉयस्टिक इज ऑल्सो an input device that is used to move the cursor position on a screen. Joystick का use हम cursor की position को move करने के लिए करते हैं. इसकी function is similar to a mouse. इसकी function भी mouse के similar होते हैं, मतलब mouse की तरह ही work करता है. It is a stick. Joysticks are used for playing computer games. Joystick का main जो work है वो कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. माइक्रोफोन, अ माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज अस टू रिकॉर्ड साउंड इन द कंप्यूटर. माइक्रोफोन ऑल्सो इज एन इनपुट डिवाइस और यह कंप्यूटर में साउंड को रिकॉर्ड करने का वर्क करता है. नेक्स्ट प्रोसेसर. आफ्टर इनपुट डेटा इज देन प्रोसेस्ड. इनपुट देने के बाद डेटा प्रोसेस होता है इन सीपीयू. सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU full form is central processing unit. CPU is the most important processing device. It does all the processing and decision making in the computer. It also control all other parts of computer system. CPU computer ka processing system or decision making system kehlata hai. CPU computer ke sare पार्ट्स को कंट्रोल करके रखता है. इनपुट देने के बाद डेटा को जो एनालाइज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, वो प्रोसेसिंग सिस्टम में किया जाता है. प्रोसेसिंग सिस्टम मीन्स सीपीयू. यू कैन सी सीपीयू इंटरनल स्ट्रक्चर. सीपीयू द सीपीयू बॉक्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस एंड सीपीयू बॉक्स. CPU is made up of three parts. These are CPU three parts से मिलकर बना होता है. These are arithmetic and logic unit. This unit perform all the arithmetic and logical operation. CPU three parts में work करता है. पहली जो unit होती है arithmetic unit कहलाती है, जिसमें arithmetic और logical operation किए जाते हैं. Second is control unit. This unit control all the activities of the computer. It tells other parts of the computer what they should do. Control unit, CPU की जो control unit है वो computer के सारे parts को control करती है और उन्हें command देती है work करने के लिए. Memory unit, this unit stores data and information temporarily. In memory unit का work होता है हम जो data computer में feed करते हैं उनको store करके रखना. Now we read about input, output. The output from a computer is the result which the computer gives other processing by CPU in the input. Following devices are the main output devices. Output device वहाँ कहलाते हैं जो कि data को process करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है. निम्नलिखित output devices होते हैं like monitor, printer, speaker, headphone. Monitor where you type anything, you can see it on the monitor screen. Monitors are available in various shapes and size. There are two types of monitors. Monitor वह device होता है जब हम किसी data को
कंप्यूटर में फीड करते हैं तो उसे हम ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। वही ऑन स्क्रीन डिवाइस मॉनिटर कहलाता है। मॉनिटर दो टाइप्स के होते हैं, सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मीन्स कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी मॉनिटर्स कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। जो सीआरटी मॉनिटर्स होते हैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। दीज आर बिगर इन साइज एंड हैवी इन वेट। इनकी साइज बड़ी होती है और वेट भी इनका ज्यादा होता है। यू कैन सी सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर लुक्स लाइक टेलीविजन, ओल्ड टेलीविजन सी। नेक्स्ट एलसीडी मॉनिटर्स। एलसीडी मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी मॉनिटर्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। एलसीडी मॉनिटर्स सीआरटी मॉनिटर के कंपेयर में कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। दीज मॉनिटर्स से हम लेजर वेट एंड कैन बी हैंडल्ड इजीली। और एलसीडी मॉनिटर्स का वजन कम होता है, उनको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। दे हैव क्रिस्प डिस्प्ले और इसका जो डिस्प्ले होता है काफी क्लीन और फ्लैट होता है। नाउ वी रीड अबाउट प्रिंटर। अ प्रिंटर गिव्स आउटपुट ऑन टू द पेपर। यू कैन प्रिंट टेक्स्ट और पिक्चर यूजिंग अ प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसकी हेल्प से हम जो भी डाटा हम कंप्यूटर में फीड करते हैं उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर फॉर्म में हो सकता है। अ प्रिंटर कैन प्रिंट इन ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल एज इन कलर। प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट कर सकता है और साथ ही साथ कलर प्रिंटआउट भी दे सकता है। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर। होते हैं। फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट ईच कैरेक्टर सेपरेट। प्रिंटर्स यूज प्रिंट हेड्स कंटेनिंग 9 to 24 पिंस। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है वह अल्फाबेट को सेपरेटली प्रिंट करता है। इसमें पिन होती है 9 to 24। दीज पिंस प्रोड्यूस पैटर्न ऑफ डॉट ऑन द पेपर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर पेपर पर डॉट्स पैटर्न में टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। देन इंकजेट प्रिंटर्स फॉर्म कैरेक्टर ऑन द पेपर बाय स्प्रेइंग इंक फ्रॉम टिन नोजल। इंकजेट प्रिंटर स्प्रेइंग इंक से नोजल की सहायता से अल्फाबेट को प्रिंट करता है। दे इंक इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द पेपर। इंक को पेपर ऑब्जर्व कर लेता है, ड्राई इंस्टेंटली और जल्दी से उसे सुखा देता है। वेरियस कलर्स ऑफ इंक कैन ऑल्सो बी यूज और डिफरेंट डिफरेंट कलर का हम इस्तेमाल इस प्रिंटर में कर सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रिंटिंग और यह एक हाई क्वालिटी क्लियर पिक्चर देता है। देन लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर प्रोड्यूस इमेज ऑन पेपर बाय डायरेक्टिंग अ लेजर बीम। लेजर प्रिंटर लेजर बीम पर वर्क करता है। मेनी होम यूज लेजर प्रिंटर्स कैन प्रिंट 8 pages पर मिनट। लेजर प्रिंटर 1 मिनट में लगभग 8 pages प्रिंट कर सकता है। कॉमर्शियल प्रिंटर आर मच फास्टर एंड प्रिंट अबाउट। और जो कमर्शियल प्रिंटर होते हैं उसके रूप में लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। Now we read about the speaker. Speaker is the output device. There are usually 2 speakers attached to the computer. Computer में mostly 2 speakers attached होते हैं। These are used to listen to music and sound. जिनका इस्तेमाल music को सुनने में और sound को सुनने में किया जाता है। They can in various size and shapes. और ये अलग अलग size और shapes के होते हैं। You can see in picture. Dear student, in this chapter we read about introduction of computer, computer cycle, IPO cycle and its input processing and output devices के बारे में मैंने आपको बताया। So I hope you understood. Okay, thank you.